का मिलता है। आदित्य आप भाई, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? कितना टाइम होगा? एक साल। आपका यही काम रहता है सर, और भी कुछ रहता है? आपकी शॉप की टाइमिंग कितनी रहती है? 12 बजे, सुबह 12 बजे की है, रात के 10 बजे तक रहती है। बाकी रश के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी जल्दी फ्री होगा माल, अपना बैच लगता है। और रेट क्या रहता था? हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या भैया? तो भैया आप कब से यहाँ पे काम कर रहे थे? 5 साल हो गए। तो आप कैसे बनाते हैं जरा बताएंगे मेरे को? क्या क्या आप लगाते हैं इसमें अंदर? जी भैया, हमारी इमली की चटनी है जी। कैसे लगाते हैं फिर जी? मसाला, मसाला किस चीज़ का सर? जी सर, आलू को पेस्ट है, आलू गर्म मसाला जी। भैया हमारे दाने, पीनट्स, प्याज, फिर जी मसाला, इमली की चटनी, हमारी लहसुन की चटनी है ऐसे। ये हमारे हमारी दावली रेडी हो चुकी है। इसके बाद क्या प्रोसेस आएगी? इसने भाई भैया इसके इसके बाद सीखेगी, सीखने के बाद ग्राहक हो जाएगी। मतलब पाव कलर ऐसा होता है, जब तक ऐसे नहीं सीखे ऐसे तो ग्राहक को देती नहीं है। पाव कलर ऐसा होता है, इतने कलर चेंज नहीं हुआ जब तक ग्राहक को देती नहीं है। मतलब बिल्कुल भैया सीख के देते, ये नहीं कोई जल्दी जल्दी में जल्दबाजी वो नहीं, रेट क्या रहता है सर आपका? सर हमारे 10 रुपए है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है सर? सर हमारी शॉप को 19 साल हो गई। 19 साल से यहीं पे लगा रहे सर? नहीं, पहले वो हमारी बाजू में दुकान है ना, उसमें लगा देते हैं, वो हमारी बन नहीं है अभी, तो उसमें शिफ्ट हो जाएगी आगे जाके। उसमें शिफ्ट हो जाएगी 10-15 दिन बाद। बता दे ना, ये बताओ पहले। ये इमली चटनी, मूँगफली के दाने, प्याज और फिर मसाला, फिर लहसुन की चटनी, ये नमक। जी सर, 7-8-9 बजे तक माल भी ऊपर रहता है, कभी कभी तो 7 बजे ही माल खत्म हो जाता है, कभी कभी तो 8-9 तक। लोकेशन क्या सर यहाँ की? ये है रॉक्सी रोड, मालवन चौराहा, ग्वालियर। ओके।